एक प्लेट कितने की थी? क्योंकि मैं दे रहा हूँ एक प्लेट 100 की थी। 100 रुपए की एक प्लेट? माफिया 100 रुपए की एक प्लेट है। तो गाइस ये अभी अपना वो जो चैलेंज था फाइनली शूट होने वाला है। पिज्जा वाले में ये जीता था ना? पिज्जा इनको खिलवा लो, मिर्चा जहाँ आता है वहाँ आंसू छोड़ देते हैं, जहाँ मिर्चा खिला दो वहाँ आंसू छोड़ देते हैं। उस फैक्ट पे कि मिर्चा खाने मिल रहा है तो आंसू छोड़ देते हैं। क्या लगता है आज क्या आप मैं नहीं खेल रहा जो जो गेमिंग हाउस में सबका कंपलसरी नहीं खेलेगा ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। जबरदस्ती ही खिलाऊंगा, मजा आता है। जिम्मेदारी होगा गाइस, इसमें इतना मिर्चा होने वाला है आज, जितने भी लोग इस चैलेंज होने वाले हैं ना, कितना ग्रीन है देखो, इतना ग्रीन होने ऊपर से कोई देखेगा ना करेले का जूस लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तबाह हो जाएगा। लास्ट डे जब मैं गेमिंग हाउस में हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू मेरा घर, क्योंकि अभी मुझे मार्च में बहुत ज़्यादा काम है एंड अभी मॉर्टल भी जाने वाला है और एक दो लोग और जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा घूम लेता हूँ, घर होकर आ जाता हूँ, पापा से मिल लेता हूँ, मम्मी से मिल लेता हूँ। सो यस, आज का प्लान इस तरीके से कुछ है कि अभी मैं स्नैक्स, सिद्ध भाई और कृतिका जा रहे हैं स्नैक्स को, कोई वीडियो शूट करनी है, वीडियो शूट नहीं ब्लॉग शूट करना है उसको, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर पहले उसके साथ, और फिर वहाँ से कुछ खाने का अगर टाइम मिला तो वहाँ से कुछ खा के देन वील गो। आज जो है वॉच पार्टी करने के लिए जी का मैच है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोगों को शायद 2 बज जाएगा रात का रैप अप करते करते, और फिर मेरी 6 बजे सुबह की फ़्लाइट है, कृतिका की 6:40 की फ़्लाइट है, तो हम लोग वहाँ से सीधे जो है चले जाएंगे एयरपोर्ट। पहले रेगा भी जा रहा था मेरे साथ दिल्ली, लेकिन उसका लास्ट मोमेंट प्लान कैंसिल हो गया, एज ऑलवेज धोखा देने में एक्सपर्ट मेरे को। सर यस, जल्दी से करते हैं पैकिंग एंड नाश्ता एंड फिर उसके बाद 6 बजे निकलते हैं, अभी बज रहा है 5:45। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मामा अर्थ ने इस बार भेजा है, विच इज द लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड साथ ही साथ लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर एज वेल। गाइस, जब आप मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं सो वो आपके बालों को नरिश और कंडीशन कर देता है एंड साथ ही साथ वो आपके जो डैंड्रफ है एंड फ्रिजीनेस को वो पूरे आपके कंट्रोल में ले आता है। सो अभी जल्दी से इसको यूज कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद अपन को निकलना है, सो उसके लिए तैयार भी होना है, सो जल्दी से सेट हो जाते हैं। It's gonna be a long day, so अपने को पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। तो गाइस, मामा अर्थ के लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर में लेमन हेल्प करता है आपके डैंड्रफ एंड फ्लेक्स को दूर रखने के लिए एंड साथ ही साथ इसमें जिंजर होता है विच सूथ्स योर ड्राई एंड इची स्कैल्प, साथ ही साथ इसमें कोकोनट ऑयल होता है विच कंडीशंस एंड स्मूदन्स योर हेयर व्हाइल प्रिवेंटिंग ब्रेकेज एंड ऑल्सो इट इज मेड सेफ सर्टिफाइड। सो गाइस, मामा अर्थ के ये दो प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सो मामा अर्थ का एक और एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इनिशिएटिव है दैट दे आर प्लानिंग टू प्लांट मोर देन 1 मिलियन ट्रीज बाय द एंड ऑफ 2025 और आप भी इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो गाइस, मामा अर्थ के ये दो अमेजिंग प्रोडक्ट जो आप लोगों को दिख रहे हैं, दिस कैन बी योर्स, आप लोग इसको खरीद सकते हो मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन से। मामा अर्थ की एप्लीकेशन भी अब लॉन्च हो चुकी है, वहां पे आप जब भी जाना और आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना एप्लीकेशन और वेबसाइट से मामा 2023 कोड यूज करना टू गेट एक्सक्लूसिव 20% ऑफ। ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड नाइका, और बहुत इजी होता है, वेन एवर यू बाय योर प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दे लिंक योर प्रोडक्ट टू एन ऑर्डर जो कि आप प्लेस करते हो और उस ट्री के साथ जो कि वो प्लांट करते हैं उसका जियोलॉजिकल लोकेशन, स्पीशीज एंड एवरीथिंग, सो उस तरीके से आप मदर नेचर में भी एड अप करते हो। ऑल्सो अब मामा अर्थ इज़ नॉट ओनली अवेलेबल ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर नियर बाय स्टोर्स, तो जब भी आप वहाँ पे जाके अगर आप कोई भी स्पॉट करना ऑफलाइन स्टोर तो जरूर मेक श्योर कि मेरे को टैग करना। आज तो हदी पार कर दी मामा, 4 बजे उठा हूँ मैं। तुम हाँ तुम जो बोल के गए थे मैं तेरे को 12 बजे उठा दूंगा। देख लो गेमिंग हाउस में तुमने देखा है जैसे ही क्या कहते हैं कैमरा सामने आता है इसकी शक्ल में कैसे चेंज हो जाता है, पहले तो या तो तेरे को पहले ऐसे देखेगा
अबे जाना और कैमरा आते ही तेरे हाथ में क्या होगा रात में सब लोग चले जाएंगे स्ट्रीम करने के लिए। हम भी फिर तुम घर जा रहे हो तो क्या करेगा इधर मर जाएगा हम बोर हो गए। भाई को हेलो बोलना हमारा क्या हुआ क्या लेके आया तुम मलाई थैंक्स ब्रो मलाई ओ सेवा प्लीज इट्स माय फूड टाइम ब्रो इज योर फूड टाइम ये कौन सी मलाई कोकोनट वाली यस इट्स वेरी हेल्दी बेटर देन मैकडॉनल्ड्स ओके अम्मा की मलाई खाता है हां ची यो सज्जनों हम जा रहे हैं हफ्ते भर के लिए क्या बात कर रहे हो हाँ बट देवियों तो नजर नहीं आ रहा सब सज्जनों नजर आ रहे हैं सज्जनों की देवियां तो होंगी तो वो देख लेंगी यहाँ पे तो उनको पता लग जाएगा उनको तो अजय अरे ये प्रोटीन बार्स रख लो साथ में ठीक है थैंक यू आपने अगर चीट किया तो देख लो ठीक है आपको अभी सोल्यूशन भी दे दिया है इतने में थोड़ी हो जाएगा तो एक दिन का अरे आपको मील का मैं आप फोन कर लो मुझे मैं बता दो ठीक है अब मिस तो नहीं करेंगे मेरे को नहीं कर आप हो ना अभी ऑनलाइन तो करेंगे ना सेशन हम नहीं आप मुझे फिजिकली मिस तो नहीं करेंगे वो तो करूंगा ही है ना हाँ। मिस करना मुझे बोलना चाह रहा हम आ रहे एक हफ्ते बाद आ रहे हैं 5 तारीख को आ जाएंगे चलेगा डन मैं जा रहा हूँ गेमिंग हाउस से अभी जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ गेमिंग हाउस से कहाँ जा रहे हो बांद्रा अब मैं घर जा रहा हूँ वहाँ से कब पागल बना रहा है अच्छा इसके लिए सूट किसके लिए कितने दिन के लिए हफ्ते भर के लिए आर यू गोना मिस मी नो जो लोग मूवी नहीं लेके आए तो उनको क्या ही मिस करें इतना बुरा हूं मैं मां चल डॉलर मैं जा रहा हूं मिस करियो बाय आई सी द मनी वोंट पिक एंड रोल गिव एंड गो आई सी द मनी वोंट पिक एंड रोल गिव एंड गो आई सी द मनी वोंट पिक एंड रोल गिव एंड गो आई सी द मनी वोंट पिक एंड रोल गिव एंड गो अभी हम लोग जा रहे हैं स्नैक्स के साथ और स्नैक्स आज जो है फाइनली मेरे को करवाने वाला है शॉपिंग स्नैक्स आपकी गलत फहमी में हूँ मैंने आपको परफ्यूम दे रखा है आपका टर्न कब आएगा मैं जब आएगा तब दे दूंगा आज ही वो दिन है वो रात है आज वो दिन नहीं है वो रात नहीं है ये दिन ये रात कभी और कभी तो पैसा निकाल दीजिए अगर तुम मूवी लेके चलते तुम ये क्या बात हुई भाई मूवी अलग चीज है और परफ्यूम अलग चीज है भाई मैंने गिफ्ट दे रखा है सेठ भाई इसको लोग भूल जाते लोग यहाँ पे इंसान को भूल जा रहे गिफ्ट की तो दूर आपने क्या बोला नहीं गिनाते क्या नहीं गिनाते क्या बोला आप नहीं गिनाते मैं हूँ नहीं भाई दिलवाएगा ना आज नहीं नहीं क्या भरो उसको और क्या है सॉरी बुलवा रहा हूँ भरवा रहा है मेरे को ऐसे ही होते हैं यार आजकल सॉरी पे मतलब एक इंसान सॉरी बोल रहा है उसका कोई कदर नहीं है Very bad. It's not what you know, but what you do with it. I do it the best, don't care if you did it. Stay down till I came up, now I'm too in it. Money in my sleep, I'm a true business. Snacks का तो अपना डन है सब कुछ अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं मीडियम साइज में यहाँ से कौन सा टी शर्ट लूँ कुछ अच्छे कलर में कुछ नहीं है ना इनके पास सारे वो सॉलिड्स में है ना मीडियम साइज में सॉलिड में हाँ मीडियम में हाँ सारे ये अच्छे अच्छे डिज़ाइन है ये सब स्मॉल 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 में स्मॉल वाले लोग एग्जिस्ट नहीं करते ना ज़्यादा इसलिए बच जाता है ये सब आइटम मीडियम और लार्ज वाले यहाँ पे स्ट्रीट वेयर में उल्टा होता है ना स्मॉल वाले मीडियम में आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा स्मॉल वाले नहीं एग्जिस्ट करते करेक्ट अपन ये ले ले रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से और शायद बस इतना ही करना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा नहीं फैलते क्योंकि ना सेविंग्स भी थोड़ी सी होनी चाहिए इस लाइफ में इन ऐसे नहीं होना चाहिए इसे पैसा बचाओ और जब शॉप कह रहा हूँ अभी मैं पैसा बचा रहा हूँ घंटा बचा रहा हूँ अगली बार अगर स्नैक्स से बुलाएगा इन्वाइट किया ना कि जो है क्या कहते हैं मेरे को ले चलो शॉपिंग करवाने मैं उसको ये तो जरूर दिलवाऊंगा 100% ये अगली बार पिंक दिलवाऊंगा तेरे को ठीक है ना लाइक अगली बार पिंक दिलवाऊंगा तेरे को सो गाइस फाइनली स्नैक्स को हमने वो
प्रेशियस वायरस ट्रांसफर कर दिया है वो पी टाउन बेबी एस्थेटिक नहीं है कुछ ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं। हम लोग इस लेन में आए हैं और माँ कसम ये इतनी हैपनिंग लेन है ना ये पूरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अब देखो जैसे आज इस बहाने से आ गए स्नैक्स की वजह से तो अपन घूम लिए ये आदमी कभी ये कहीं ले ही नहीं जाता। संडे को गए टेक्नो पार्टी वो मतलब अकेले गए और मैंने जब बोला मैं इसे पूछा नहीं तो इन्होंने बहाना बना दिया टेक्नो है टेक्नो। मेरे को टेक्नो से मतलब नहीं है मुझे वाइब से मतलब है। टेक्नो में कैसे वाइब करेंगे मैं मेरे को लेके जाते मेरे को तो जानते ये स्ट्रीम कर रहा था तो क्या हुआ पूछने में क्या जा रहा है 101 रीजंस टू नॉट टेक अस। अरे क्या वैलिड रीजन है मैंने कहा 101 रीजंस टू नॉट टेक अस और तुम तो रहने दो क्या मूवी क्यों नहीं लगी है मूवी। अबे वो ऑन द फ्लाई बन गया था यार बिल्कुल प्लान उस दिन भी ये स्ट्रीम कर रहा था मारेंगी पकड़ गए Cheers. उतार दीजिए कल इसी में सोए थे इसी में उठे थे यही पहन के आ गए। तो ये आपका प्री बर्थडे गिफ्ट है तेरा आप दिसंबर में आएगा ब्रो देखें देखें क्यों क्या प्री बर्थडे गिफ्ट है मतलब बर्थडे गिफ्ट ही यही है मैं इसको प्री बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ पायल प्लीज अप्रूव बैठिए बैठिए ये बच्चों के लिए यही मिला हाँ मॉडल मेरे बर्थडे गिफ्ट को रेट कर हैं अच्छा लगा और एक ये भी है ये भी देख लीजिए आप बर्थडे बताइए हम दे देंगे यस करेक्ट 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 हाँ यहाँ खोल के देख लीजिए गिफ्ट खोल के देखते हैं अच्छी है पहन लीजिए इसमें भी चल जाएगी नहीं ओके आपको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा अनएक्सपेक्टेड था हम ऐसे ही करते हैं फंबल हो गया थैंक यू गैस करो कितने का हुआ होगा तुम तो वो जे वॉकिंग से खरीदती होगी बताओ तुम तो कितने का हुआ होगा नहीं 50 है हाँ नहीं 50 से कम है 44 है यस हेलो क्या लेटेंसी पे चलती हो क्या लेटेंसी आ रही है अच्छा गाइस एपिक एंट्री जी फाइनली हियर मैं दिल से चाहता हूँ क्या कहते हैं कि जी जीते क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ तक मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम पबजी एंड एवरीथिंग दिस द फर्स्ट टाइम कि कोई और गेम जो है इतने बड़े स्टेज पे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया का कोई टीम एक तरीके से लेकिन मतलब जो भी हो बहुत सारे अदर गेम्स में भी होता है लेकिन वैलोरेंट ने बहुत अभी नाम कमा लिया है अपना मतलब बहुत बड़ा गेम बन चुका है उसमें अगर अपनी इंडिया की टीम है तो दिल से भाई जी फाइटिंग दिल से जीतना चाहिए भाई मैं चाहता हूँ भाई सोचो एक बार नीचे का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर जी जीत गई क्या पागल हो जाएगी पब्लिक दिल से चाहता हूँ जीत जाए तेरे को क्या लगता क्लच है नहीं है ईजी मार 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 आज नहीं है मेरे को कोई कुछ गिफ्ट ही नहीं देता है
इतना अच्छा पेन है, इसके टेल इतना चौड़ी नहीं सकते, इसके टेल इतना चौड़ी नहीं सकते। हाँ यूल गिफ्ट ना देखा, देख सीखो। आज हम करते हैं छोटा सा टेस्ट पॉइंट, ठीक है? अगर यहाँ पे जितने अभी पास में जितने लड़के हैं बॉयज, उसमें से किसी का भी जूता निकल के आपको इसको देना था जो इसके साइज से नहीं है, आप क्या सेठ भाई का शू तो मेरे को नहीं पता। ये तुम ओ हेलो ओ, 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 तुमने दिया ये? नहीं नहीं हाँ मैं लिया, मुझे लगा दिया। इसका सिक्का गिर गया क्या तुम्हारा? कुछ दिख रहा है क्या कोई जूता? उसने जो पहना हुआ है ना वो वाले कलर अच्छे लगे। नहीं दोगे? नहीं मतलब अच्छे वही लग रहे हैं, वही लग रहे हैं। मैं ये बोलने वाली थी कि मौका रेड नहीं पहनूं। वो बात ही नहीं, उससे पता है कि मैं ऐसे मॉडल हूं लोग का सही है, उसका अच्छा भी सही हो गया। आपको क्या लगता है वॉच पार्टी में, मतलब उससे मतलब जी के लिए आप लोगों का क्या कहना है? आई थिंक फर्स्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितना मैंने इनसाइड थोड़ा सा जी के बारे में सुना, स्प्लिट वॉज योर स्ट्रॉन्गेस्ट मैप एंड अपेरेंटली दे हैव बीटन वेरी गुड टीम्स ऑन स्प्लिट, बट ये वाले इवेंट में अपेरेंटली दे प्लेड वेरी डिफरेंट जो प्रैक्टिस में कर रहे थे। अच्छा, मेरे हिसाब से फर्स्ट मैप में तो ओनली डिफरेंस मेकर वुड हैव बीन एक सेंटिनल होना चाहिए था, बस मतलब गेम चेंज हो जाता, दो कंट्रोलर थोड़ा सा मतलब उसके आगे मैं नहीं बोल सकता स्कोर क्या होता, बट इट वुड हैव बीन वे बेटर, वे बेटर, वे बेटर हम लोगों को। बट आई स्टिल थिंक इट वाजंट अ स्टॉर्म फॉर अ फर्स्ट टाइम शोइंग, एसके रॉसी का फर्स्ट इवेंट था, मोनिया का फर्स्ट लैन इवेंट था, अगर बाकी लोग को पता नहीं है तो आई थिंक इट वाज अ गुड फाइट, 2-1 के हिसाब से गुड फाइट, करेक्ट गुड फाइट सर, चलो गुड फाइट। ना ना ये तुम्हारा भाई है भाई, इससे मजाक मत करो हमारे साथ, ना 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 मजाक उड़ा रहा है गेम मास्टर जेडी भाई का, मजाक उड़ा रही है जेडी भाई का। फेसबुक पे प्रोफाइल में फोटोज में जवानी में चलेंगे। ये कॉलेज है, कहाँ है आप? ये तो रहा है जी, ना 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 ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं मानते। वो तो ठीक है, मैं तो किसी को कॉलेज फोटोज नहीं दिखाता। वापस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आएगा, आ रहा है, और 8 किलो कम कर लिया, जिंदगी ने एक ऐसा धक्का दिया जिसकी वजह से आ रहा है। आएगा, वही धक्के चाहिए होते हैं काम करवाने के लिए। चलते रहिए एक लाइन में, चलते रहिए एक लाइन में, एक लाइन में चलते रहिए, बाय बोल दीजिए, बाय करते जाइए, होते नो बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए। अरे सर ह्यूज फैन सर, बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, बाय 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 कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। अरे मॉर्टल बिग फैन बाय। सो गाइस फाइनली हम लोग वॉच पार्टी वाले उस वेन्यू से निकल चुके हैं एंड हम लोग आ चुके हैं किद्दा ओपा। हाँ तो क्या शर्मा ना, डिनर करने ओपा आए गाइस। वो वहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक होता है, खाने को भी मिलता है, लेकिन जो है मैं सिर्फ जाऊँगा और मैं आई विल बी गिविंग क्या बोलते हैं उसको, साथ देने को कंपनी टू सिड भाई, और क्योंकि मेरी है फ्लाइट 6 बजे के लिए, तो मैं जो है बस वहाँ पे अपना सर दर्द लेकर जाऊँगा जो वहाँ से म्यूजिक से होगा एंड ख़त्म। आज का दिन बहुत ज़्यादा फन था एंड आई एम गोना मिस दिस गाय एंड दिस गैल, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ घर। मेरा आउटफिट बाकी है अभी वैसे दिया। yes, yes, yes. तो हाँ तो ये 5 तारीख को आ रही है तो ठीक है। yes, अच्छा मुंबई में आपका बर्थडे? ऑप्शन नहीं, लेट्स गो। लेट्स गो नागपुर में क्या करेंगे, संतरे खाएंगे हम लोग, लेट्स गो। लेकिन खैर वापस ओपा आना पड़ेगा 6th को। हाँ हो सकता है। सो गाइस यहीं से हम साइनिंग ऑफ करते हैं और स्नैक्स बाय, आई एम गोना मिस यू, और यहीं से हम एयरपोर्ट निकल जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा रुक जाइएगा, जरूर। हाँ मतलब थोड़ा सा बातचीत, थोड़ा आप बाहर भी लेके जाइएगा। हाँ जरूर 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 ठीक है, ठीक है। तो निकलते हैं गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं, जल्दी हो रही है, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, अलीगढ़ के ब्लॉग में मोस्ट प्रॉब्ली। एंड देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, सी या, बहुत सारा प्यार टू यू एंड एवरीबडी आउट देयर।
ऐसे ही प्यार देते रहे ना, ऐसे हमें आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, बाय बोलो, बाय बोलो भाई, बाय बोल दीजिए एक बार। यस।